और थर के कोयले से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट ने काम शुरू कर दिया है। दिसंबर के आखिर तक 300 मेगावाट से ज्यादा बिजली नेशनल ग्रिड को फराहम किए जाने की तवक्को है, जिससे न सिर्फ मुल्क में बिजली की किल्लत में कमी होगी बल्कि मुकामी आबादी को भी रोजगार के मौके मयसर आएंगे। इस हवाले से देखते हैं नासिर शेख की रिपोर्ट। सिंध के सहराए थरपारकर से निकलने वाले कोयले से बिजली पैदा करने वाला पावर प्लांट दिसंबर के आखिर तक 300 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड को फराहम कर देगा। थर से भारी मकदार में निकलने वाले कोयले को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए सूबाई हुकूमत और एक निजी कंपनी के इश्तराक से 660 मेगावाट का एक पावर प्लांट तहसील इस्लाम कोट में लगाया गया, जो पाक चाइना दोस्ती का मज़र है। 660 मेगावाट का पावर प्लांट है जो कि हमारा इंडिजिनस थर के कोयले के ऊपर ऑपरेट होगा। इस पावर प्लांट में 2100 चाइनीज इंजीनियर्स और मजदूरों के अलावा 1800 मुकामी थरी बाशिंदे भी काम कर रहे हैं। हेवी पावर प्लांट की तंसीब का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिससे मुल्क में बिजली की किल्लत में कमी के साथ साथ मुकामी आबादी को रोजगार के मौके मयसर आ सकेंगे। थर में वाफिर मकदार में निकलने वाले कोयले से बनाए जाने वाला ये पावर प्लांट जो है वो मुल्क की किस्मत के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन साबित होगा। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ थर पारकर।